टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 जी भाई, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को जिसमें मौजूद है फैसल, इलियास, हसान और इमरान। कैसे भाई लोग, सब ठीक ठाक, मजे में? वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी मस्नूई तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीरम जोत। अस्सलाम वालेकुम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ गया, एक साल और सरवाइव कर लिया हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने बैंड को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछले साल भी हमारा साथ दिया, इस साल भी हमारे साथ हैं और हर बार एक नया म्यूजिक लेके आते हैं। तो बहुत सारी तालियां जी आप लोगों के लिए भी। आदि भाई, पिछला साल कैसा गुजरा, नया साल कैसा रहेगा ये जरा बताइए। पिछला साल तो मास्क के पीछे ही गुजरा। अच्छा, और इस साल भी लग रहा है कि मास्क के पीछे ही गुजरेगा। ये कौन सा वाला मास्क है? ये वो मास्क है जो कोविड ने हमें दिया या वो मास्क की बात करें जो लोग पहन के रखते हैं? वो वाला तो लोगों ने पहना हुआ है लेकिन कोविड के मास्क के पीछे रहा है। और मुझे लगता है ये वाला साल भी हमें इसी तरह गुजारना है। पीछे बहुत सारे गम थे, बहुत सारा डिप्रेशन था जो कि पूरी दुनिया में था। तो मेरे ख्याल से इस साल हमें उससे निकलने की जरूरत है। लेकिन निकलने का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हो जाए, एहतियात करें। लेकिन अब नए साल में देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, नया साल शुरू हो गया। आप सबको, तमाम देखने वालों को भी जी हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूँ आने वाला साल बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी तरह मेहनत करते रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और मास्क अभी ना उतारिए। मास्क ना उतारिए क्योंकि सुना है कि जी सेकंड वेव आ रही है, आपको बहुत जरूरत है अपनी एसओपीज को फॉलो करने की, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने चाहने वालों के लिए भी। अच्छा, मैं आप कह रहे हैं ना मास्क ना उतारिए। हाँ, मैं लोगों कह रहा हूँ मास्क उतारिए। क्यों? क्योंकि मेरा एक जानने वाला, वो 3 महीने से एक ही मास्क पहन के घूम रहा है। अच्छा, वो चेंज ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है मेरा कोरोना रुका हुआ है, मैं नहीं भाई। ये भी जरूरी है कि आप अपना मास्क बार बार चेंज करते रहें। अच्छा, और वो जो मैंने एक और मास्क देखा है। हाँ, वो मैंने अक्सर, ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मॉल है, उसके ना बाहर जो गार्ड खड़े ना उनको पहने थे, वो जाली वाला मास्क है। अच्छा, तो स्पीकर की तरह की जाली लगी हुई है, उसके अंदर से होंठ भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं, मूंछे भी नजर आ रहे हैं। लोग थोड़े से क्रिएटिव भी हो गए ना मास्क को लेकर। वो वाला मास्क मुझे लग रहा है किसी काम। डिजिटल मास्क भी आ रहे हैं और क्या कहते हैं, शक्लें बनी भी आ रही हैं, शक्लें भी बनी हुई हैं। तो मास्क उतारें। हाँ, क्योंकि मास्क और बनियान और कुछ चीजें होती हैं जो आपको उतारती रहनी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए, वरना दाने निकल आते हैं। क्या बदतमीजी है यार, ये है एक मसला है। अच्छा, मैंने ये मास्क वाली बात इसलिए पूछी। हाँ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं। अच्छा, मास्क है वो? नहीं, वो मास्क नहीं है, वो मास्क बदलते रहते हैं। मास्क और ये मैं कोविड वाले मास्क की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ये मैं टैलेंट वाले मास्क की बात कर रहा हूँ। टैलेंट वाला, इतने सारे टैलेंट के, कभी वो एक कैरेक्टर करते हैं फिर वो दूसरा कैरेक्टर करते हैं, यानी कि वो एक्टर भी हैं, वो लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं। तो फिर निकलते हैं हम लोग, है ना हमारा काम। मुझे लग रहा है कुछ ही लोग हैं जिनके से हमारा काम बन रहा है। कुछ लोग हैं जिनको बुलाना नहीं चाहते, आके फिर हम दलील ही होते हैं ना। लेकिन हमने इनको जान के बुलाया क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है, इनको हमसे मिलना बहुत जरूरी था। अच्छा, हम तो इनके फैन हैं ही, बिल्कुल। हम चाहते हैं आज इनको बुला के थोड़ा तंग करें, बहुत सीरियस सीरियस रहते हैं। मैं चाहता हूँ जरा इनका लाइटर साइड भी लोगों को दिखाएं। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मजेदार। सर, वेलकम टू द मजेदार शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ठीक ठाक है, बेहतरीन सर। ये आप रेनकोट जो पहन कर आए हैं हमारे यहाँ, इतना नियॉन माशाल्लाह से। क्या करूं, अब इतने संजीदा शोज हैं बाकी सारे, मुझे लगा कि कोई बॉयज वाला शो हो, जरा फंकी शो, रंगीन शो, कोई मजेदार सा शो हो, तो वहां पर मैं ऐसे मजेदार से कपड़े पहन सर। थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत हमारे सबसे पहले मसला होता है वही होता है कि लोग इतने सोफिस्टिकेटेड बन के आते हैं कि हम उनसे खुली नहीं पाते और 45 मिनट खत्म हो। सर मैं इससे ज्यादा क्या अब आपके साथ? नहीं नहीं, आप ठीक ठाक खुल गए, आपको थोड़ा बंद होने की जरूरत है। कैसे मोहसिन आप? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक। ये माशाल्लाह इतना सारा जो आप मास्क चेंज करते रहते हैं, इत्तेफाक से बात निकल आई कि जी मैं एक्टर भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ माशाल्लाह, कंपोजर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, होस्ट भी हूँ, ये कैसे मैनेज करते थी सारी चीजें? यार ये इस पे तो क्या ही, इसका एक बड़ा संजीदा जवाब है। हाँ, दे दें कोई बात। वो यही है कि
मैं ना होता तो किसी और के पास होते ये सारे हुनर। इसमें मेरा कोई कमाल है नहीं, मैं हमेशा बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ जब भी कोई बहुत सारी तारीफें करता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। हमें तो आप पैसे दे जाएंगे ना, वो मसला नहीं। हाँ, वो आपको मिल जाएंगे, बट स्टिल आई बिलीव के इट्स गॉड गिफ्टेड। मेरे पास नहीं होता, किसी और के पास होता, कोई और चुन लिया होता अल्लाह पाक ने। सो आई एम जस्ट ब्लेस्ड और मैं उसके लिए हमेशा शुक्र अदा करता रहता हूँ अल्लाह पाक का। देखिए, गॉड गिफ्टेड, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ कि आप गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन उस हुनर को पहचान लेना और फिर उसको अच्छा कर लेना, पॉलिश कर लेना, पहले से बेहतर काम करना, ये एक मुश्किल काम है, खास तौर पे ऐसे दौर और ऐसे मुल्क में जहां आपने चू नहीं किया, लोगों ने कहा ये तो ये है, ये तो वो है, तो ये चीज कैसे करते हैं, ये है सवाल। हाँ, इसको मैनेज करने के लिए बिल्कुल आपको मोहतात भी रहना पड़ता है, आपको थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। Absolutely. आप मेहनत तो सभी करते हैं, बट स्टिल आई बिलीव के जब तक आपके पास साथ ब्लेसिंग्स नहीं होती वालदैन की, आप लोगों की, जैसे अब कुछ हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, वो उनकी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि मोहसिन दुआ लेता है, माशाल्लाह, मतलब वो ज़बरदस्ती दुआ लेता है। इट्स ये नहीं कि वो यू नो, तो वो शायद कोई अमाल हैं, अम्मा की दुआएं हैं जो साथ अभी तक चलती आ रही हैं। वो एक शेर था, मैंने लिखा कि मैं भटकता हूँ, माँ मुझे छोड़ गई बीच रास्ते में, मगर आसमानों से उतरती हैं दुआएं अब तक, मैं भटकता हूँ मगर गुम नहीं होने पाता। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि वो अगर थोड़ा बहुत भटक भी जाता ना, तो वो सिफारिश कर देती हैं अल्लाह पाक से कि देख लें जरा, संभाल लें बच्चे को, तो वो चल रहा है काम उनकी दुआओं से और अल्लाह पाक की कृपा। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइए, ये इतनी खूबसूरत आवाज कैसे आप? आप गाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी अपनी आवाज। मैं आपको सच बात बताऊं, आपके आने से पहले हमारी डिस्कशन हुई थोड़ी देर पहले कि यार माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है, और क्योंकि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप भी वाकिफ होंगे, जो एक्टर जब करते हैं तो उनकी एक आवाज़ चेंज हो जाती है, और जैसी सीन कट होता है तो उनकी आवाज़ होती है, हाँ यार जरा पानी तो पिला ना, ये क्या सीन है। तो हम कहते हैं लोग करते हैं ये, लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड लाइक यू सेड। तो ये इसके पीछे क्या राज है बॉस? मैंने एज वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, वैसे फैसलाबाद में जब मैं था, तो मैं एक और टैलेंट मुझे नहीं पता था, वॉइस ओवर भी, वॉइस ओवर टैलेंट, सबके सबके काम खराब कर देने आप वाला वॉइस ओवर थे, पहले मैं बड़ा परेशान रहा करता था, फिर मेरी अम्मा ने बेल्ट ला के, लोग मुझे कहते थे ओए चिंटू कहाँ जा रहे हो। मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम करता था फैसलाबाद में, तो उनके लिए कॉपी राइटिंग करता था, वॉइस ओवर करता था, तो तब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की वोकल की, के सुबह उठकर आपने बिल्कुल, जब आपने कुछ नहीं बोला तो आपके सराहाने किताब या अखबार हो, आपने उसी वोकल टोन पे वहीं पर उसी कॉर्ड पे बोलना है, उस एक सफ़ा पढ़ना है, तो आपका वो वोकल और वो कॉर्ड ट्यून होना शुरू होता है, ये एक प्रैक्टिस होती है रेडियो। फिर मैंने रेडियो किया 10 साल, और मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लड़के ने कुछ नहीं करने देगा ये, मुझे लगता है सुबह गाड़ियां भी साफ कर दो, हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा इसने। जी सर, आप बताइए, ये जैकेट उसी बंदे ने दी है मुझे, कंपनी ने दी है जिनकी गाड़ियां साफ कर रहा है, ठीक है। तो वहां से मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की, और कुछ साथ साथ चलता रहा कि यू नो एज के साथ साथ भी बेहतर होती रही। और अगर आप स्पेसिफिकली एक तो है आवाज़, और फिर खुशगुफ्तारी की अगर हम बात करें, तो वो बहुत वो प्योर प्रैक्टिस की बात है। Absolutely. वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी उर्दू बोलूँ, मेरी ख्वाहिश थी हमेशा से, तो मैं हमेशा सीखता रहता। मतलब आपकी डिक्शनरी में करा नहीं होता कि आपने क्या करा, क्या करा, फिर क्या होगा? हाँ, फिर देखिए, क्या होगा? देखिए, जब आप परवीन अकबर साहिबा जैसी मंजी हुई अदाकाराओं के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको ऑन योर टोज रहना पड़ता है। Absolutely. और फिर आपको उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बताती बाद में चमाट पहले मारती है। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उनसे, तो मैं, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिलता है जो जिनको शौक भी है, और जो एक ऐसे प्रोसेस से गुजर के आए हैं, जो मुझे लगता है कि ये जितना मैं ओल्ड स्कूल हूँ, वो वहां से मुझे जो मिल रहा है, मैं अपने रडार खोल लेता हूँ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द, बिल्कुल, कि ये तमस्खुर नहीं तमस्खर है, या आपने मुझे सही करवाया अभी ये कमंडी के सेट पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे पता चलता रहे ये चीजें। तो यस, अच्छा, ये आपकी इसी बात से एक और बात मैं पकड़ूं कि कुछ लोग होते हैं जो कि इन्हीं लोगों के साथ काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके वो रडार्स वो बंद रखते हैं कि वो नहीं सीखना चाहते। जान, पता है क्या, ये आपका, मैंने स्टेटस भी देखा फैजान का, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम आखिरी जनरेशन है जिसको मेहनत करने की ख्वाहिश थी, हाँ, सीखने की ख्वाहिश थी। जो आपने जो पॉइंट आउट किया, मैं इस शो के तवस्सुत से, क्योंकि यूथ इस शो को देखती है स्पेसिफिकली, मैं चाहूँगा ये बात मेंशन करना। देखिए, हम लोग सेट पर जाते हैं, तो एक तो आपने पॉइंट रेज किया कि बेब्स मैं एक मिनट जानू, मैं ना सीन करवा लूँ। अच्छा, रख भी नहीं रहे ना। हाँ, जानू, एक सेकंड, होल्ड कर लो।
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। जी जानू कैसे हैं आप? हाँ।, हाँ हो गया ना। हाँ। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका वारदात ये है जो आजकल की पौध है वारदात वेरी नाइस। दूसरी जो एक पौध है उसमें आजकल की वो आते सेट पर बाद में है और पूछते ये हैं कि पैकअप कितने बजे है मेरा। हाँ, मेरे सीन कितने, मेरे सीन के कितनी बजे चली जाऊंगी। हाँ चला जाऊंगा अभी। हाँ, हाँ। ताकि वो ऐसा ना हो के। तो वो उनको पार्टी करनी है या उनको हैंगआउट्स करने हैं, उनके लिए ये काम। अब देखिए मैंने नुमान एजाज साहब के साथ काम किया, 5-6 साल मैंने एक शो पे उनके साथ गुजारे। उनका ये मानना था वो बावजूद सेट पर आते थे, वो उस काम को इबादत समझ कर करते थे। वो कहते थे ये मेरी रोजी रोटी है, मैं इसकी इज्जत नहीं करूंगा, ये मेरी मुझे इज्जत नहीं देगा ये काम। बिल्कुल। तो जब आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं, अमानुल्लाह मरहूम साहब के साथ काम किया मैंने, मुझे एक पूरा प्रोसेस जिससे मैं वही लकी माशाल्लाह। यस, तो आई फील लकी कि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिन्होंने मुझे इस काम की अहमियत सिखाई भी, बताई भी। और मैं इस काम को सिर्फ दिहाड़ी समझ के नहीं करता। नुमान भाई एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दिहाड़ी बना दी एक्टर्स ने जी, कि जी, एक जी। सेट से निकले हैं दूसरे पे जाके वही अदाकारी वहां भी कर दी, वही बालों के साथ वहां भी पहुंच गए, बिल्कुल बिल्कुल वही एक्सप्रेशन वहां जाके दे दी ना। कैरेक्टर पे काम करते हैं हम, हमें हम उस काम से जो हमें फेम मिला है हम उसको ज्यादा एंजॉय करने पे हमारी हमारी तवज्जो है, ना कि हम उस काम को इज्जत दें पहले या उसको वक्त दें पहले। अपने काम को कितना जज करते हैं, देखते हैं अपना काम। कुछ लोग होते हैं जो अपना काम नहीं देखते, कुछ कहते हैं यार मैं देखता हूँ, फिगर आउट करता हूँ ये अच्छा था ये बुरा था। अपने काम को किस तरह जज करते हैं? फैजी मैं एक प्योरली डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्टर को बताना पड़ेगा, डायरेक्टर मुझे बताएगा कि बस यहाँ रुक जाओ, ठीक है, वरना मैं एक बेलगाम घोड़े की तरह ना सब करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, जो आता है सब डाल देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो हाँ मैं अपना काम देखता हूँ, स्पेशली देखता हूँ कि यार ये कितना बेहतर हो सकता था, ये ऐसे हो सकता था। मैं खुद भी देखता हूँ, फिर मैं अपने असातज़ा से भी डिस्कस करता हूँ जिनमें ये हमारे तमाम लेजेंडरी अदाकार हैं। मैं अगर उनसे फीडबैक आ जाता है, आप कभी खान साहब का अगर मुझे मैसेज आता है तो मेरे लिए वो ज़मीन आसमान एब्सोल्युटली वाली बात है। अगर सजाद अली साहब का मुझे मैसेज आता है तो मैं यू नो ओवर द मून, यस। तो मेरे लिए यही मेरा फीडबैक ये है। देखिए एक बड़ी अजीब शायद कड़वी भी लगे ये बात, लेकिन मैंने अपने टीचर से ये बात सीखी है, असातज़ा से, कि आपको क्रिटिसाइज कौन करेगा? आदि आपको क्रिटिसाइज वो करेगा अगर मैंने 15 साल लगाए हैं अदाकारी में, तो उसने 16 साल तो लगाए हैं यार, कम से कम 16 साल तो उसने लगाए हैं। क्राइटेरिया तो होना जजमेंट, यस कोई जजमेंट। मैंने 10 साल रियाजत की है, मैं सलामत अली खान साहब से म्यूजिक सीखा है, मैं एक ऐसे आदमी की राय को मोहतरम नहीं समझूंगा, ये बात कड़वी लगेगी बहुत से लोगों को, जिसको म्यूजिक की अलिफ बे नहीं पता, जो ये जिसका जज करने का यार इसकी आवाज ऊंची कितनी है, सही बात, जिसको ये नहीं पता कि ये किस ऑक्टेव से गा रहा है, इसको म्यूजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। सो मैं ऐसे लोगों की राय, वो अवाम है, आपको अवाम पसंद ना पसंद कर सकती है, आप उनको देते हैं पेश करते हैं वो पसंद ना पसंद, लेकिन वो क्रिटिक्स नहीं हो सकते आपके। मेरे क्रिटिक कबीर खान साहब हो सकते हैं, परवीन आपा हो सकती हैं, सजाद भाई मुझे मैसेज करके अपने पेज पे शेयर करते हैं कि मैंने ये गाना अपनी आवाज के बाद ये वर्जन मुझे पसंद आया, तो मेरे लिए यही ऑनर की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है मैं हॉस्पिटल का सीन शूट कर रहे थे और मैं लेटा हुआ और मैं फेसबुक जितनी में लाइट हो रही है मैं देख रहा हूँ और सजाद भाई का ये मैसेज आया है और मैं उठकर बैठ गया, मैंने सबको इकट्ठा किया, वो पहली बार मुझे मैसेज आया था, मैं सबको इकट्ठा किया, देखो 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 वो मेरी एक्साइटमेंट देख के सब एवरीवन लाइक। तो मेरे लिए यही अवार्ड है, यही रिवॉर्ड है, ये मेरे क्रिटिक्स हैं। आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको लगता है मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ, आपको लगता है मैं बहुत लाउड हूँ, आपको लगता है कि ये क्या पहनकर आ गया है, मैं आपका एहतराम कर सकता हूँ, मैं उसको हरफे आखिर नहीं समझूंगा, मैं आपकी उस राय को हरफे आखिर नहीं समझूंगा। आप मुझे बैश करें सोशल मीडिया पे मेरे लिए मैटर नहीं करता, आप मुझे ट्रोल करें, आप मुझे ट्रोल करेंगे मुझे बिल्कुल फायदा नहीं, उस चीज का ना नुकसान है। मुझे जब कवि साहब ये कह देंगे, मुझे नोमी भाई कह देंगे, मुझे काशिफ निसार साहब कह देंगे, मुझे मेरे डायरेक्टर्स कह देंगे, मुझे परवीन आपा सीन खत्म होने के बाद थप्पड़ मार के कहेंगे कितनी अच्छी तुम, कितनी अच्छी अदा क्यों करते हो, मानूंगा कितनी अच्छी एक्टिंग करते, मेरा मैं सर गया, मेरा सफल हो गया भाई, सही बात, मेरा ये रिवॉर्ड मिल गया, पैसे मुझे मिलेंगे, मैं घर जाऊंगा अपना घर चलाऊंगा उस काम से। आपको पसंद आता है मैं नौकर आपका, मैं एंटरटेनर हूं, मैं आपको एंटरटेन करने आया हूं। आपको नहीं पसंद आता मैं कोशिश करूंगा बेहतर करने की, आपके मुताबिक होने की नहीं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। आपको मैं नहीं पसंद, आप किसी को दूसरे को देख सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मोहसिन भाई ये बताइए, जिस तरह आपने कहा कि भाई किसी का जिस तरह मेरा 15 साल है तो उसका 16 साल तो हो, तो अगर किसी के इंस्टाग्राम पे लाइक ज्यादा हो आपसे वो कर सकता नहीं, 2.3 मिलियन
दोस्त इतने इतने इंस्टा को लेकर बहुत सीरियस है। मैं जानना चाहता हूँ 2.3 मिलियन तो मेरे साथ तमाम सोशल मीडिया को मिला के नहीं होंगे। मैं कहता हूँ हमारे हमारे कर लो, हमारे और बैंड के भी ले ले। इंस्टा मिला लो, यूट्यूब मिला लो, मोहल्ले वाले मिला लो, हमारे नहीं हो पाएगा। मैं फैसलाबाद कॉल करके पूछता हूँ सबसे, फिर भी नहीं हो पाएगा। अच्छा तो हाँ, ये अब ये भी एक अलमिया है, हाँ। नया सीन है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, अब ये बात बहुत से लोग कर रहे हैं आजकल, जो कि बड़ी अच्छी बात है, वोकल हो रहे हैं इस बारे में। वो बात करते हैं कि यार देखो ना कि उसके फॉलोवर ज्यादा हैं, ब्रांड आपको हायर इस बात पे करता है। जी जी बिल्कुल ऐसी है, आपको क्राइटेरिया ये बन गया है। अब नोमी भाई के अगर लेट्स से आई डोंट नो कि अगर उनके नुमान इजाज़ साहब के अगर 3000 फॉलोवर्स हैं, मैं कहता हूँ शायद अकाउंट ही ना हो। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर नहीं है तो क्या वो छोटे अदाकार? अगर इफ्तिखार ठाकुर साहब का इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो तो फिर तो क्या वो बुरे अदाकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं है अगर उस पे, जी बिल्कुल, क्या वो बुरे अदाकार हैं या छोटे अदाकार हैं, खुदा ना खास्ता, आई एम सो सॉरी। बिल्कुल, तो ये क्राइटेरियाज बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल फोटोग्राफर हर वक्त चाहिए है, और आपको स्लो मोशन में चलना है, आपको कुछ आप अगर कुछ भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो एक शो किया 5-6 साल, उसमें कई ऐसे लोग इस वजह से आते थे कि जब आप उनके क्रेडिट पे काम देखते थे तो कोई काम नहीं होता था। इट्स जस्ट दैट कि वो सोशलाइज कर रहे हैं, हर इवेंट पे होते हैं, वहां पे तस्वीरें लगती हैं उनकी, तो है जो दिख रहा है वो बिक रहा वाला सीन हो गया है, दैट्स इट। अच्छा मोहसिन भाई, एक और सवाल, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और हम जाहिर सी बात आपको फॉलो भी करते हैं, तो मैंने आपकी तस्वीरें देखी, आपकी ना बहुत जोर से बॉडी बनी हुई है। मतलब मेरे कमर का वो हिस्सा जहां मैं गुजली नहीं कर सकता, वहां भी आपने बॉडी बनाई है। ये जोश कब और कैसे आया ये मुझे जानना है। हर तरफ से बॉडी बना ली, जिम में हर तरह से खड़े हो जाते होंगे आप, ये कैसे है? ये क्या सीन है भाई, इतनी बॉडी कहां से यार? ये वर्कआउट तो हमेशा से करते थे, मतलब कॉलेज के टाइम से करता आ रहा हूं मैं, लेकिन हाँ इतनी जोर से बॉडी कभी नहीं आई थी। हाँ। मतलब आपके ऊपर अगर तेल गिरा देना तो आप चरगा लगो। इतने कड़क हैंग कर दो। ये कैसे है? ये जब नामालूम अफराद 2 जब बन रही थी तो नबील ने ख्वाहिश का इजहार किया, नबील कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि एक बीच सॉन्ग हम करेंगे साउथ अफ्रीका में जाके, तो जरा प्रेजेंटेबल बॉडी बना लो। तो ये टास्क मिला मुझे और फाहद मुस्तफा साहब को, तो हम लग गए। पहली बार इतनी मेहनत की हमने, और सुबह शाम जिम कर रहा था मैं, सुबह 5 बजे उठे आपने रनिंग और फिर जिम किया, शूट की, आप शूट के बाद फिर वर्कआउट करने गए हैं, 2 टाइम जिम था, हार्डकोर वर्कआउट था, 80% वर्कआउट 80% डाइट 20% वर्कआउट, ये हम सबको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको फॉलो करना बस एक जान जोखिम में डालने का काम है, बट स्टिल वो किया गया। और जब वहाँ पहुँचे साउथ अफ्रीका हम लोग, तो I was ready for that. और फहद भाई ने कहा कि यार मैं टैंक टॉप में करूंगा, मैं शर्ट नहीं उतारूंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद फिर वो बात होगी ना कि इंडस्ट्री के मुंह को लग गई बॉडी। हाँ, तो फिर साकिब मलिक साहब ने जब बाजी के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने कहा मोहसिन है ना, मैंने कहा सर मैं नान पाए चने सब खा रहा हूँ, मैं तो तरसा हुआ था क्योंकि मैं एक खुश खुराक आदमी, भाई मैं पूरा बाकायदा खाबा खाने वाला आदमी। तो फिर साकिब भाई की उस डिमांड को फुलफिल किया गया, तो मैं इस प्रोसेस से अब 3-4 बार गुजर चुका हूं। खत्म करके बना लो, खत्म करके बना, एड्रेस आपको पता चल गया? एड्रेस पता चल गया मेरे मसल को और मुझे। बट एक चीज मैं यहां पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा आदि, कि ये हेल्दी नहीं है, 6 packs आर नॉट हेल्दी। आप बनाएं, आप वापस आप स्पेसिफिक काम के लिए ओलंपिया को भी देख लेंगे ना, वो ऑफ सीजन पे जरूर जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को काफ्स चाहिए होते हैं, आपकी बॉडी को वो सारी चीजें चाहिए जो खुदा ने कुदरत ने बनाई है। वरना क्या हुआ था, मैं आपको एक इवेंट बताता हूँ, इसका नुकसान बताता हूँ आपको। मैं अपने मुज़ाकरात के सेट पे परफॉर्म कर रहा था और मैं उस वक्त सख्त डाइट पे था, आई थिंक मैं बाजी फिल्म के ही लिए तैयार हो रहा था, और मैं गंदी खतरनाक डाइट पे था और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं फेंट होके गिर गया। ऑडियंस गेस्ट बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, और मैं गाते गाते ये फेंट हुआ, ब्लैकआउट हुआ और मैं पीछे गिर गया म्यूजिशियंस पे जाके। तो ठाकुर साहब कहते हैं हमें लगा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने तो पकड़ा ही नहीं। ठाकुर साहब ये कह सकते हैं, ये वो यही कह सकते क्योंकि मैं उल्टी सीधी हरकतें ऐसी करता था परफॉर्म करते, तो उन्होंने कहा हमें लगा यूं जा रहे हैं तो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, हमने नहीं पकड़ा भाई। तो वो मैं फेंट हो गया। तो उसका मकसद ये है कि आप लोगों को अगर ऐसी बॉडी बनानी है, आप अपने उस स्पेसिफिक फोटोशूट के लिए बना लें नेचुरल बॉडी, स्टीरॉयड्स टीके ये वो इनको अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी से बड़ा प्यार था, मुझे हमेशा से लगता था मेरा नाइटमेयर था कि यू नो मैं लटक जाऊंगा, अजीब सा हो जाऊंगा। तो मैंने अपने
जो ट्रेनर थे शबीर साहब, उनको मैंने स्पेशली कहा, शबीर भाई जो हैं उन्होंने फवाद खान साहब को तैयार किया खूबसूरत फिल्म से लेकर अब तक मौलाजट तक के लिए, वो बहुत से हमारे, मुझे उनसे इंट्रोड्यूस भी वासिर चौधरी साहब ने करवाया था। अच्छा, तो ही इज अ ब्रिलियंट। मैं 15 दिन भी नहीं करते कुछ बस खाली इंट्रोड्यूस कराना, उनका कमीशन है, उनका कमीशन मात्र, ये इनको ले जाएं जी, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और उनको मैं 15-20 दिन के भी टास्क दूंगा ना शबीर भाई, तो वो आपको प्रेजेंटेबल हालत में ले आते हैं। जबरदस्त, तो ये उनकी अच्छी बात। मैं वो इतना फॉलो अप करते थे फैजी कि वो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना शबीर भाई आज मैं आ नहीं सकूंगा जिम, मेरी फ्लाइट है सुबह। अच्छा, आपने एयरपोर्ट पे आधा घंटा वॉक करनी है जब तक फ्लाइट नहीं आती, और कर रहा है, एक आदमी पागल है और लोग देख रहे हैं, ओए डीजे, ओ डीजे, ओ डीजे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है तेज तेज, नॉर्मल वॉक भी नहीं कि जैसे जी सर हो गई सर, हाँ गुड बस ठीक है, इतनी कैलोरीज बर्न होगी, तो वो इतना फॉलो अप करते। तो आपको, आप अगर इतने यू नो थोड़ा है ना हिले हुए, तो आपको ट्रेनर भी वैसा ही चाहिए होता है। वो एयरपोर्ट पे अक्सर लोग भी देख के आपको कह दोगे आपने तस्वीर तो खिंचानी नहीं है, अभी भाग रहे पता नहीं इसको क्या हो गया। अबे नहीं खिंचा रहे भाई, नहीं खिंचा रहे भाई, अरे भाई रुक जाओ यार, नहीं खिंचवाएंगे यार, क्या हो गया। सही है जी, जैसे मोहसिन ने कहा कि हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास और आप देख रहे हैं दिल मजेदार शो। आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास है, उनके साथ मौजूद हूं मैं। मेरी अम्मी ने कहा था आज तुम सही करोगे, है ना, मेरी अम्मी ने मुझे रीटेक करवाता अगर मैं ना कर पाऊं। हम खेलने लगे सर दिस और दैट, मजेदार 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 होगा कुछ आपसे एक सवाल होगा, दो ऑप्शन होंगे इसमें, नो डिप्लोमेसी, आपको जवाब देना ही देना है, बाहर से कोई जवाब नहीं देंगे, जो ऑप्शन है उसी में से देना पड़ेगा। okay. और कोई चीज जस्टिफाई नहीं करेंगे। जवाब दे यार, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं यार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे दोस्त है, मेरी फूफी के बेटे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, आदि भाई आपने डील देनी है, आपके सामने क्यूब पड़ा है और ये नया साल है, याद रखना नया, बड़ी डील हो गई है, तो ये स्पॉन्सर्ड क्यूब है, हम जितने भी सवाल पूछेंगे अगर आखिरी सवाल तक आपने इसको सॉल्व कर दिया तो हम आपको 3 लाख रुपए कैश देंगे। 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, लाख रुपए बढ़ा दिए सर, इसमें पिछले साल तक 2 लाख रुपए थे। नहीं सर, ये सवाल बवाल कर लें। यार ये हमें कोई सीरियस क्यों लेता है, माशाल्लाह मुझे अपनी इंडस्ट्री में पूरा हाँ इसीलिए 3 लाख रखे हुए हैं, 3 लाख रखे हुए। ये बता दो कितने लोग जीत चुके हैं अभी तक, 4 लोग जीत चुके हैं। नहीं करे सर, लेकिन उसमें 2 लाख थे, अभी 3 हो गए, लेकिन कौन जीता है सर, यही तो नहीं बता रहे हम। एक तो वो जीता है, एक ये और वो, अगर वो जीता है चारों निकल गए सर, यार वो बड़ा बड़ा बात नहीं है यार, चलो तैयार है, आइए। हाँ जी, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर्स। लाइव या फिर रिकॉर्डेड? लाइव 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 फॉर श्योर। शक्ल ऊपर रखेंगे ताकि आपकी शक्ल नजर आती रहे, पैसे देंगे हम आपको इस बात के। एक्टिंग करेंगे या होस्टिंग करेंगे? एक्टिंग करूंगा। टीवी या फिर फिल्म? टीवी। रिक्शा या फिर बस? रिक्शा। वोट या फिर आई डोंट केयर? वोट वोट वोट। पंक्चुअल या फिर लेट? पंक्चुअल यार। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? यूट्यूब। कम कैश या ज्यादा चेक? कम कैश। कम कैश ठीक है। नासिर जहांगीर या किरण हक? किरण हक। सिंगिंग या फिर कंपोजिंग? सिंगिंग। आदि भाई बदतमीज सवालों का दौर शुरू। ये बताइए हर वक्त तैयार होकर घूमना या सिर्फ शूट पे तैयार होना? सिर्फ शूट पे तैयार होना। ये बताइए कि लड़कियों के साथ घूमना या लड़के लड़कियों मिक्स के साथ? किसी के साथ भी घूमना नहीं। घूमना ही नहीं है ना। ये बताइए मोटरसाइकिल या गाड़ी? बोथ। ये बताइए मॉल में जाके सिर्फ शॉपिंग करना या दूसरी वाली शॉपिंग भी करना? सिर्फ शॉपिंग करना और निकलना फॉरन वहां से। फॉरन वहां। ये बताइए कौन या आइसक्रीम? एक सेकंड, में इसमें वक्त क्यों जाएगा? मैं देख रहा था लड़के ने सीरियस लिया है मामले को। दिल्ली दिल में 3 लाख रुपए की लालच घूम रही थी। नहीं मैं ऐसी, मैंने कहा इज्जत रह जाए शायद, लेकिन नहीं, शायद मैं आधा बना लूं, 1.5 लाख ही दे दें। अच्छा ये बताइए कान में अगर खुजली हो तो वो कॉटन पिन से खुजली करेंगे या चाबी मार के घटा घटा घटा? नहीं नहीं कॉटन पिन से, कॉटन पिन से। ये बताया अगर छींक आए तो मुंह पे हाथ रखते हैं या फवारा फेंकते हैं? नहीं मुंह पे हाथ रखते, इतना नफीस हूं मैं, इतना नफीस है। ठीक है, सुहेल जावेद या नबील कुरैशी? नबील कुरैशी। यार सुहेल जावेद करो यार, सुहेल जावेद उठाओ उठाओ बात, माशाल्लाह इतना टैटू करवा के मुंह दिया इंडस्ट्री को, आप उनको मुंह लगा रहे हैं? नहीं एक्सप्लेन नहीं करना ना, हम तो नहीं, हम तो पूछ सकते हैं, आप करें, मैं नहीं, मैं बात नहीं सुन रहा। अच्छा नहीं सुन, चले ठीक है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। विंटर्स या समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। इम्प्रोवाइजेशन या फिर स्क्रिप्ट? इम्प्रोवाइजेशन। को एक्टर से दोस्ती या फिर रिजर्व्ड? रिजर्व्ड। उर्वा या मावरा? उर्वा के साथ काम किया है उर्वा। नहीं नहीं, उर्वा या मावरा ये बताएं बस। अबे यार उर्वा यार, मावरा नहीं पसंद है मावरा, देख गलत बात है मोहसिन भाई, अच्छा नहीं लगता, देख रही हूँ।
वो तो फॉलो करती हैं बाकायदा। उन्होंने मैसेज किया दो बार मोहसिन अब्बास को बुलाएं। मोहसिन अब्बास कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं यार, ये ज्यादती वाली बात है। चलो ठीक है, फहद मुस्तफा या जावेद शेख कह रहे अच्छा वो बंदा ने बॉल लेफ्ट कर दी ना, सुनो मैं नहीं, फहद मुस्तफा या जावेद शेख? जावेद शेख। अरे यार फहद भाई यार अभी कल 100 की उन्होंने भाई बाइकें दे दे के उसी गुस्से में नहीं कहा हमारे खिलाफ 100 किया उसी गुस्से में नहीं कहा। अच्छा ये बताइए मोहसिन भाई, लाउड कपड़े या सादे कपड़े? लाउड कपड़े। ये बताइए फैशन वाले कपड़े या जो मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी आपने, कोशिश पे जा रहे थे कि लाउड कपड़े क्यों के, लेकिन छोड़ो आओ लाउड। ये बताइए फैशन वाले कपड़े या जो मेरा दिल चाहेगा वो पहनूंगा? जो मेरा दिल चाहेगा वो पहनूंगा। ये बताइए मुंह पे दाने निकल आए तो कॉन्शियस हो जाते हैं क्या? अगर मेरा मुंह ऐसा ही है भाई ये बताइए कि बाहर मुल्क जाके घूमना या पाकिस्तान में घूमना? पाकिस्तान में घूमना। एक बड़ा जरूरी सवाल है, थोड़ा पॉलिटिक्स से लेना देना है। ये बताइए सलवार लास्टिक वाली नाड़े वाली? लास्टिक वाली। एक सेकंड, ये कौन सी पॉलिटिक्स थी इसमें? इसमें पॉलिटिक्स है भाई। कौन सी? अगर नाड़ा पहना तो अक्सर पॉलिटिक्स हो जाती चलते फिरते। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि महवेश हयात या माहिरा खान? अगर देखो एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुन लो। हाँ, इस चलो दे, इसकी दे ही दे। देखो पता है क्या होता है, अगर आप कभी कभी ऐसा होता है आपकी पॉलिटिक्स फंस जाए ना, हाँ तो बड़ा मसला हो जाता है। हाँ। सारे वोट जाया हो जाते हैं आपको, आपको वोट आए हूँ और आपकी पॉलिटिक्स फंस गई है तो जाया, पूरा इलेक्शन जाया हो गया। आप दोनों का नहीं पता, मुझे यहाँ काम करना है अभी। ठीक है ओके। मैं भी शायद या माहिरा खान? मैं भी शायद यार। भाई बड़ा दुख होता है तुम लोगों को यार हर बात का। इनोसेंट सी है वो, कहती है कौन आया बाहर, बर्तन ले लो। हाँ बर्तन ले लो, ये किधर हुआ है? ये हुआ था, एक मसला हुआ था, एक छोटा सा मसला हुआ था उनकी जिंदगी में बहुत गंभीरता से। अच्छा मुझसे मिस हो गया। ठीक है, घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। वासे चौधरी या नुमान एजाज? नुमान एजाज। वासे चौधरी नहीं यार भाई, हमें हमारा कैरेक्टर करने दो यार, आप हमारा कैरेक्टर नहीं करो भाई, मुझे हायर कर लो यार अब। यार ये क्या बात है यार, वासे चौधरी आप अपना करो यार। हां हां फिर से पूछो ये सवाल, वासे चौधरी या नुमान एजाज? अरे नुमान एजाज यार, वासे यार वासे हमने एग्जैजरेट किया था कि मैं अच्छा लगूं, मतलब ये कि आपने इतना अच्छा, मेरा लगेगा यार ये कट, मतलब ये कि आपने इतना अच्छा कर दिया हमसे हो नहीं रहा। ठीक है, शोएब अख्तर या वसीम अख्तर? वसीम अख्तर। अच्छा आओ, अच्छा पॉलिटिक्स, अच्छा शोएब अख्तर यार। शोएब अख्तर, वसीम अख्तर यार, मतलब कराची में रहते हो यार, वसीम अख्तर नहीं वसीम अख्तर ने इनके लिए कितना कुछ किया क्या? देखिए टैलेंट देखिए, आदमी तीन कैरेक्टर एक साथ करके दिखा रहा है आपको और साथ में इंटरव्यू भी दे रहा है। हां चलो पूछो सवाल। अच्छा ये बताइए कि गोलगप्पे या मीठी पूड़ी? गोलगप्पे बहुत सारे। ये बताइए नाखून काटना खुद से या मैनीक्योर पेडीक्योर कराना? खुद से काटना। ये बताइए मुंह जोर से धोना या फेशियल कराना? मुंह जोर से धोना। अच्छा निहारी या पाए? बोथ। नहीं साथ? नहीं सर नहीं, एक चीज, एक चीज। ओके पाए। अच्छा आम आप फोक से खाते हैं? नो 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 नो, यहां से खाता हूं। बदतमीजी, ये चीज ये मिला हमें कोई, यहाँ तो छल वाले तो अभी तक फोक वाले आए हमारे यहाँ तो पसंद ही नहीं है, ओल्ड स्कूल। ठीक है ये बताइए शूट के टाइम पे सिर्फ शूट पे रहना या शूट के बीच में बाहर कोई गाड़ी है उसमें जाके बैठना? मैंने जो देखा है वो बता रहा, हमारी आप गलत देखो लेकिन बोलो नहीं, हमारी इंडस्ट्री के कुछ नॉर्म्स हैं। अच्छा देखना नहीं होता? उनको नहीं देखना होता है, बोलना नहीं होता, बोलना नहीं होता। अच्छा मामू या खाला? ये तो ऑप्शन ही नहीं था ये तो आई ना गुगली आई ना बीच में। जी सर मामू या खाला? खाला मामू। नहीं ना मामूजाद खाला ना, एक 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 खाला यार। यार मामू नहीं यार यार एक सेकंड भाई, आप शो कर लो यार, आप खुद ही सवाल कर लो, खुद ही जवाब दे दो। पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं हम ये ब्लाइंड। अच्छा ये कह रहे हैं बताओ यार मामू नहीं यार, यार मामू का नाम कब से मामू बना हुआ है यार। अरे यार अच्छा वैसे मैं ये मैं आपसे सच में पूछ रहा हूँ, क्यों मामू क्यों नहीं, खाला क्यों, ये खाला क्यों? ये खाला हाँ, ये सबको ही होता है, जिससे पूछा सबने खाला खाला। अच्छा हाँ क्यों, खाला के मामू क्या गलती है? देखिए मामू से मेरी दोस्ती इतनी है कि मैं उनको जाके कहूंगा कोई बात नहीं। अच्छा वो मान लेंगे, खाला नाराज हो जाएंगे। खाला से जरा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है खाला में से ना माँ की झलक आती है। यस ओफो, और मैं तो अडॉप्टेड हूँ ना वैसे भी खाला का ना, तो इसलिए सेम है बॉस, सेम है। तो मैं जी आदि भाई एक और इंपॉर्टेंट सवाल, कोई और सर मैं अब आपसे सेकंड लास्ट सवाल हम पूछूंगा। ओह माय गॉड, लेकिन ये दो सवालों का मसला ही है। अरे म्यूजिक दो ना यार, वो आखिरी बात है, वो आखिरी पाएगा। अच्छा ओके, लड़के को फॉर्मेट पूरा पता है, लड़का द मजेदार शो में खाली मोहसिन अब्बास ना छोड़ो। हाँ ऐसे नाइट मेयर आ रहे एक सेकंड के
नहीं लगा हम दोनों इंटरव्यू देने आए। मजा है, अगले हफ्ते पे फोन आ जाए। आप लोग आए ना गेस्ट बन के, मोहसिन ने कहा आप लोग आए ना। आखिरी दो सवाल है लेकिन अब ये सवाल जो है ना ये मजाकिया बिल्कुल नहीं है, मजाकिया प्रोग्राम के एक्टर खैर ये नहीं है। तो सवाल ये है कि अब ये बता दूं मैं आपको कि ये दो सवालों के जवाब आप देंगे टीवी पे तो एक से दो बार चलेगा ओके, लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा नहीं यार। और इस आप ट्रेंडिंग भी कर सकते हैं, जाके सवाल देखते हैं कि इसके जवाब क्या दिए। दो इंपॉर्टेंट सवाल बिल्कुल ऐसी है। तो एक सवाल मैं पूछूंगा, एक फैजान पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि ये बताइए टीवी वन या कोई दूसरा चैनल, सोच समझ के दीजिएगा। चाय गिरा दूंगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि हम लिफाफा एंड पे ही देते हैं। टीवी वन, टीवी वन। ये चीज देखिए हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारी तनख्वाह का भी मामला चल रहा है ना। वेरी गुड, आप दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अब गंभीरता पैदा की जाए। ये हमारा बीपी जरा स्लो पर जाता है, ठीक है जी। आपने सोच समझ के जवाब देना बॉस, आप इंतहाई टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट हैं, तो आपका जवाब बहुत मैटर करता है। और साल का पहला शो है ये, तो यहां से मुझे लगता है एक नया स्कोर कार्ड शुरू होगा। सवाल ये है कि आदि या फैजान। और इसमें वो भी नहीं होगा यार आप आदि को बोल रहे हो यार फैजान, ये इसमें बात खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सीरियसनेस देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। सर मैं सीरियसली हूँ, अक्सर जलील होता हूँ इस सवाल पे। सीरियस। अच्छा आदि यार। यार ये क्या बात है यार। कोई बात रूल तोड़ा गया है, इसने इन्फ्लुएंस किया हमारे गेस्ट को कि मैं हमेशा जलील होता हूँ। क्या लो, आपने बदतमीजी की है, आपकी पिटाई होगी। आप देख रहे हैं था मजेदार शो, हमारे साथ मौजूद है, बात आ जाइए और वापस आइए। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं था मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास हैदर। अरे यार तुम तो तेज हो गए, है ना, नया साल है ना बॉस, माशाल्लाह जरूरी है। सर सीन कुछ इस तरह का है कि हमने एक सेगमेंट ये शुरू किया है कि हम हर दफा एक शो में एक टैलेंट को बुलाते हैं जो कि यहाँ आके अपना टैलेंट शोकेस। अरे क्या बात है, नाइस, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि हमारे प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं है और जो है उस पर ट्रेन चल नहीं रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए और आके अपना टैलेंट शोकेस करें। आज जो हमारे साथ मौजूद है इत्तेफाक से उनका नाम भी मोहसिन है। अरे क्या बात, और वो हैवी सिंगर, तो मैं चाहता हूँ उनसे कुछ बातचीत करें और देखते हैं हमें क्या सुनाएंगे। जरूर, आइए उनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। सर कब से गाने गा रहे हैं आप? मैं तो जब छोटा सा था फैजान मियाँ, तब से ही कुछ गायकी की तरफ रुझान था। ठीक है, तो सोचा बड़े होकर क्यों ना सिंगर बना जाए। सही है, तो ये बड़े कब हो जाएंगे आप, कब तक हो जाएंगे अंदाजन? आधे घंटे में। आधे घंटे में, आज आज से पहले कभी आप टीवी पे या किसी घर में शादी ब्याह पे कैमरे के आगे आए हैं या फर्स्ट टाइम? मेरी अम्मी। आपकी अम्मी? यू कांट बिलीव, व्हाट्स योर नेम? आदि। ये किस किस्म का नाम है? ये आधा ही है ना, आधा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, जी। दिखने में तो नहीं लगते? नहीं हाँ। नहीं, असल मीडिया में ऐसे ही नाम होते हैं। हाँ, अच्छा, मीडिया में तो ऑप्टिकल इल्यूजन है। अगर मैं मीडिया में आऊं तो मेरा क्या नाम होगा फिर? क्या नाम रखें इनका? आप बताएं, आप देख के बताएं, अभी वो कह रहे हैं मैं आधे घंटे में बड़ा हो जाऊंगा। मोहसिन अब्बास समझ आता है आपको? अच्छा है, अच्छा है, छोटा है, छोटा है। नहीं, कुछ चीजें छोटी भी होनी चाहिए ना, हर चीज थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ इस नाम को। वो आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा ना आधे घंटे में, आधे घंटे बाद बढ़ाओ। जी जी जी, जी जी। मैं जब भी कोई घर में शादी कोई इवेंट होता, अम्मी तो मोहसिन को बुलाओ, मोहसिन। अच्छा, तो घर पे नहीं होते आप? मैं ऊपर होता था। अच्छा, तभी कहती है मोहसिन को। तो अम्मी ने कभी आपको बताया कि अम्मी जब आपको देखती है तो उनको आपके अंदर अपनी बेटी भी नजर आती है, ऐसा बताया? नहीं, somehow, वैसे मुझे आपका रुझान सिंगिंग से ज्यादा मेकअप की तरफ लग रहा है। नहीं नहीं, नो नो, मुझे आपका रुझान सिंगिंग की कम लग रहा है। सिंदी क्या हुआ, मैं घबरा जा गए हो तुम, हैं क्यों हड़बड़ा गए हो मेरे सामने? तुम क्यों ताने लगा रहे हो? तू ही करेगा ये शो, तू ही जी मेरे भाई। तो आप यार इसकी नौकरी पक्की है ना दोस्तों? पक्की 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 है। तो मेरे भाई आप आज आप आए, बहुत शुक्रिया, आपने इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज किया। हाँ। और हम चाहते हैं कि आप जो भी सुनाना चाहते हैं, जो आप प्रिपेयर करके आए, तो प्लीज हमें सुनाइए। हाँ, मुझे पहले ये बता दें किसी ने इंस्पायर किया, किसी सिंगर ने, किसी यार इसको देख के मैंने गाना? नहीं, नहीं, मुझे आज तक लगा ही नहीं कभी कि पाकिस्तान में अब जो मैं गाऊंगा। हाँ,
वहीं से शुरू होगा मामला, आपको कभी लगेगा भी नहीं आप लगोगे जाके। तुमने, तुमने, तुमने देखा है कि आजकल ये क्या वेला एक चल रहा है? हाँ, वेला शो, निस्वार निस्वार वेले एले मेले जो सब साथ गा रहे, वेला वेले टाइप जी 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 जी, वो देख रहे हो कैसी गायकी है? देख तो देखने लायक तो है ही नहीं सर, आप कभी गाय नहीं, मुझे लगता है देखने ही तो लायक है, सुनने लायक नहीं। हमने भी गैलरी बनाई ऊपर एक जी, वहाँ कोई है नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन बना लिया, हम जा रहे हैं उस तरह थोड़ा थोड़ा। तो क्या सुनाएंगे आप हमें मोहसिन? क्या सुनोगे तुम? आप खरी खरी सुना नहीं नहीं, कुछ जो आपका बेहतरीन कुछ आप सुनाए, यकीनन अच्छा ही सुनाएंगे सर। मैं अब मैं वापस आ सकता हूँ? जी आ जाएं सर, बिल्कुल आ जाएं जी, इससे पहले कि मुझे वाकई घर वाले भी एक्सेप्ट ना करें। नहीं नहीं प्लीज, हम चाहते थे कि जी मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमने इस दफा टैलेंट को नहीं बुलाया, बहुत सारी माजरत, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एक्टर हमारे पास, एक सिंगर हमारे पास जो आया, उसको हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो मोहसिन प्लीज, लेकिन मैं माजरत करना चाहूंगा जिस टैलेंट का मैंने हक मारा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप यकीन करें उनको हमने सारे लाइनअप किए, डोंट वरी। अच्छा कि बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच मजेदार शो एंड थैंक यू सो मच TV1। और ये मैं जेन्युइनली कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर मैं कभी कुछ शो करूं तो मैं उसमें ऐसा सेगमेंट जरूर रखूं कि जिसमें मैं न्यू कमर्स को चांस दूं। हम भी कभी न्यू कमर्स थे, हमें भी चांस मिला, हम लोगों ने भी मेहनत की, और बहुत सा टैलेंट है। आसान है आजकल, यूट्यूब पे आप अपना वीडियो डालते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, बट स्टिल एक नेशनल टीवी पे जब आप आकर बैठते हैं और वहां पर आप परफॉर्म करते हैं, तो आपके लिए एक इनकरेजिंग भी होता है, मोटिवेशनल भी होता है, और आप अपने काम को बेहतर भी करते हैं, यू नो। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का BTV1, थैंक यू बॉयज, आप लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे कॉज को और काम को। सर क्या सुनना चाहेंगे? सर बेहतरीन, मुझे पूरा यकीन है आप जो सुनाते हैं भरपूर सुना रहे हैं, प्लीज सर। सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, खेलने लगे क्विक फायर। मजेदार 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 मजेदार। ओके बिल्कुल नया नाम, नया सेगमेंट, ऐसा पहले हुआ ही नहीं है कभी। मैं मुझे लग रहा है ये नोए
और इंसान मुझे करण जौहर मैसेजेस कर रहा है यार ये हमें दे दो, हमने कहा नहीं भाई नो अरे उसको मत दे दो बेवकूफ आदमी ना ना। और ये 10:15 के बीच में आमद हुई थी। अच्छा 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 उसके बीच में, हाँ यस 10:15 के बीच बीच में आमद। वाह यार वो बेवकूफ आदमी, वो ऐसा ना हो ना कि वो हैम्पर वैम्पर भी दे देता है साथ। हाँ वो पागल है वो, पागल हाँ ऐसा नहीं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, दिमाग होना चाहिए, यही चीज नहीं है हमारे सर कि हम हैम्पर नहीं दे रहे, नहीं भी है और नहीं भी है दोनों चीजें कि हैम्पर ही नहीं है ना, समझ रहे ना बात। हाँ ओ वो देख नहीं रहा, ये देखे वो आप ही को देख रहा है, इग्नोर कर रहा है वो मुझे, ये आपको देख रहा है, ये आपकी तरफ है ना, ये घूर रहा है मुझे, ये आपको देख रहा है, मेरे वाले तो मुंह फेर लिया मुझसे, वो कह रहा है अमेरिका के हालात ठीक नहीं है उस तरफ देखें। सर होगा कुछ यूं, एक वर्ड बोलता जाऊंगा आपने जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अवार्ड शोज, फेक, पॉलिटिकली करेक्ट, नो वन, मीडिया, झूठ, नेक्स्ट टाइम, नाइट व्हाट, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, हाँ होता ना सर अभी नहीं कास्ट कर सकते, नेक्स्ट टाइम करेंगे पक्का। अच्छा वो वाला नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। कंट्रोवर्सी होती रहती है स्टार्स के साथ, मजाक रात, मजाक रात, गुड शो, कोरोना, प्लीज गो गो कोरोना, कोरोना गो, ठीक है। एक्शन फिगर, एक्शन व्हाट, एक्शन फिगर, एक्शन फिगर, एक्शन फिगर, मैं खुद, मौला जट, मौला जट, पुरानी, पुरानी, ठीक है। टिकटॉक, ठीक है मजे कर रहे हैं बच्चे। सिक्स एब्स, नॉट हेल्दी। ट्विटर, गुड। तब्दीली, आ जानी चाहिए। उड्डी जा, क्या क्या ये क्या, ये जवाब नहीं है यार, उड्डी जा मेरी जिंदगी का हासिल, ठीक है। बॉस, बिग बॉस। ठंड प्रोग्राम, ठंड प्रोग्राम, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। डीजे, डीजे मैं, ठीक आदि भाई, अब मैं आपको वर्ड्स नहीं दूंगा, मैं आपको जुमले दूंगा जो आम रोजमर्रा इस्तेमाल होते हैं। बैकअप, बैकअप, लड़के ने बहुत जोर लगा के उर्दू बोली, रोजमर्रा कह दिया उसने, मजाहिया बात कर रहा था, अरे मर गए, मजाहिया, मजाहिया, वाह। अच्छा ये बताइए जी, पहले मैं डर रहा था, अब मुझे मजा आ रहा है, रिएक्शन दे रहा है आपके जहन में क्या आता है, पहले मैं डर रहा था, अब मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे मजा आ रहा है, पहले मैं इस शो पे आते हुए डर रहा था, अब मुझे मजा आ रहा है, वेरी गुड। अब ये बताइए, पहले मुझे मजा आ रहा था, अब मैं डर रहा हूं, पहले मैं इस शो पे जब आ रहा था तो मुझे पता चला कि कैश मिलेगा तो मुझे मजा आ रहा था, अब मैं डर रहा हूं, तक मिला नहीं है तो अब मैं डर रहा हूं। Very good यार, बहुत अच्छे, well done Mohsin। ये फंस रहा है, इस पे थोड़ा तेल लगाओ सर, बताएं, बताइए कोई है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से जवाब दे, आपका पॉज हमें मरवा देगा, जल्दी से जवाब दे। अच्छा जुमला इतना खतरनाक नहीं मोहसिन भाई, आप जो मैं आपको एक्सप्रेशंस दे रहे हैं ना, बताऊं क्या इसका, मैं बता दूं सर, नहीं आपका, आपके देंगे सर, सुने ना, क्योंकि हमें डर लग रहा है वहां से, ये जुमला फंस रहा है, आप इसमें तेल लगाएं, जल्दी से बोल दो, आप बताइए भाई, कंघा फंस रहा है, इसमें फंस रहा है, आप जवाब दे लें फिर यार, तो आप तो दे, कोई तो देगा, ऐसे ऐसे कैसे यार भाई। अच्छा सोचिए आप अभी भी, आप जवाब, अच्छा क्या है, आप बताइए जुमला, बोलो मुझे उसका मजा लेने दो पहले, ये फंस रहा है, इसमें तेल लगाइए, वाह वाह वाह, लोगों को आपकी आंखों में से नजर आ रहा है, और मैं चाह रहा था कि ये बिल्कुल भी ना फंसे, लेकिन ये फंस गया है भाई, ये असल में हुआ ही था, अबे साइकिल का चेन फंस रहा है, तेल लगा, ये देखो ना यार, मैं ये पता है कहां से लाया हूं, मेरे घर पे वो घर का दरवाजा ठीक करने आया था, ये उसने मुझे कही थी, तो मेरे जहन में फंस गया, सर फंस रहा है, तेल लगाइए, ये बताइए अभी छोटी या बड़ी होगी ठीक हो जाएगी भाई, मेरे कुछ भी कर, आमदनी, ये मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी करें, थोड़े पॉज छोड़ कर, क्योंकि जिसकी नहीं भी समझ में आता ना वो वहीं उसी दुकान पे पहुंच जाता है, ठीक है भाई, अभी नहीं करूंगा, बाद में देख लूंगा, हाँ अभी अभी नहीं करूंगा, बाद में देख, ये तो मुझे भी पता, आसान है, हाँ आसान है, हाँ ओके, ये अभी नहीं करूंगा, वो कह रहे फंस रहा, मैं तेल लगा रहा हूँ, फंस रहे थे, मैंने कहा इनको थोड़ा ग्रीस, जी जी जी, हाँ जी, देखा क्या हो गया, देखा हो गया, घबरा जाते हैं, ये होता है, ये होता है, जब ये होता है, आप बहुत देर लगाएंगे तो ये गिर जाएगा, जी ये इंतहाई गिरा हुआ, अभी आपको देखे कि यू देख रहा है, यार आप मतलब अब आप भी ऐसे करेंगे, अच्छा ओके क्या, चले उसको छोड़े, नहीं 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 नहीं, असल में खुद भूल गया, नहीं नहीं क्या था, छोटी है बड़ी होकर ठीक, वो तो आमदनी थी ना, हाँ कैसे,
अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। अभी नहीं करूंगा, बाद में देख लूंगा। अभी नहीं करूंगा। नौकरी यार, वो क्या कहते हैं, नौकरी आपके, आप अच्छा फैजान, आपने करियर कैसे स्टार्ट किया? मैं जब फैसलाबाद से निकला जी बताएं भाई जल्दी से भाई, अभी अभी नहीं करूंगा, बाद में देख लूंगा शादी, ठीक है। अरे यार ये बताइए, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? वक्त हो गया था, क्योंकि वो मुझे, वो मरीज हूँ ना मैं दिल का, तुम्हें इसलिए मुझे निकाल दिया। ओ ये देखें, मरीज दिल का मरीज, सही छोड़ा इन्होंने, मैं पहुंच गया, आपको टाइम लगेगा अभी। हाँ मुझे, मुझे बहुत टाइम लगेगा। हाँ पूछे पूछे। अच्छा ये बताइए कि बस इतनी सी अबे था कोई मेरे क्लोज में खुदा की कसम मैं ये बोलने वाला था कि ये क्लोज में आया कि नहीं आया, आ गया, आ गया, बस आ गया, अपडेट आ गई हमारे पास। ओके बताइए इसका क्या मतलब, बस इतनी सी बिरयानी। अच्छा ये तुमने यही कर दी, वो बात जो नहीं करनी थी, नहीं करनी थी, छुपानी थी। हाँ जबरदस्त, शुरू में कम निकला था, बाद में बहुत निकला था यार। शुरू में कम निकला था, बाद में बहुत निकला था। हाँ मसला ये क्या, वो मुसलसल आपके क्लोज में जी जी मसला ये है कि अगली बार बुलाओगे नहीं तुम लोग को और ऐसा ना आपको भी ना बुलाए और हम भी ना हो बैन हो गया तीनों कैमरा वैसे ही जो है वो तीनों साथ हुआ है। जी जी बिल्कुल। अच्छा ओके, पहले क्या कम था? पहले कम निकला था, फिर बहुत निकला। अच्छा टूटी में पानी, वेरी गुड, टूटी में पानी, गले से सुर भी हो सकता है? नहीं नहीं सुर कम नहीं, छोड़ रहे उधर मत जा, मेजरों से बच के रहे। अब मैं आपसे आसान वाला पूछूं, अच्छा अभी तक मुश्किल थे, ये गोल गोल वाले साइड पे कर दो, गोलगप्पे बिल्कुल सही है, इसमें सुराख नहीं, नहीं ये गलत था वैसे, नहीं गोलगप्पे गोल ही होते हैं। नहीं नहीं क्या मैं उसको गोल वाले साइड पे कर दूं, चौरस वाले अलग करते टाइप भी आ जाते हैं ना बीच में, टेढ़े मेढ़े भी तो होते हैं ना। हाँ इसमें सुराख नहीं करना, इसमें सुराख नहीं करना, नहीं करना। हाँ गोलगप्पे में जो मैंने साइड पे करवाया ना, उन गोलगप्पे में सुराख नहीं करना, मैं खुद करूंगा। लड़के ने जुमले की जगह ऐसे कर दिया, उसमें मैं भरूंगा, खुद भरूंगा। वेरी नाइस यार, ये तो भड़ा हुआ है, ये वाला गोलगप्पा चेंज कर दिया, फटा वो यार, भाई ठेला छोड़ दे यार, आज खा के जाऊंगा मैं नहीं जानता, आज मैं खा के जाऊंगा। गोलगप्पे मैंने छोड़कर खवातीन आजाद, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदित्य धीरमजे, उनके साथ मौजूद है मोहसिन अब्बास है, और हम खेलने लगे हैं 5 सेकंड रूल। मजेदार होगा कुछ यूं, एक सवाल उसके आपने 3 जवाब देने होंगे विद इन 5 सेकंड। फॉर एग्जांपल आप जरा 5 सेकंड सुनाइएगा हमारे कैसे होते हैं, ये हो गए 5, ये 5 सेकंड, इसके अंदर आपने अगर जवाब दे दिया तभी आप बजर बजाएंगे। अच्छा ओके, जवाब देंगे तो बजर बजाएंगे, वरना नहीं बजाएंगे। तो बजर बजा के दिखाएं, चल रहा है हमारा बजर हमेशा होता है इस पे। वेरी गुड, वेरी गुड। इस सेगमेंट के बारे में एलन को नहीं बताना। नहीं नहीं क्या बात है, वो चुरा लेती है, वो कह रहा है एलन फकीर। हाँ एलन, उनको कुछ नहीं बताएंगे आप, एलन द गैनरस, एलन गैनरस बिल्कुल नहीं बताना ना भाई, ऐसा सेगमेंट शायद वो करना ले गई। नहीं भाई प्लीज, चलो भाई हॉलीवुड वाले, मैंने उसको ब्लॉक किया, वो नहीं देख सकती। शाबाश, थैंक यू सर। आइए। हाँ जी, 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस, इमरान खान, यही होता है बॉस, यही होता है, यही होता है, शेख रशीद, यही होता है, अभी भी 2 हुए। मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ताकि मुझे शिक्षा से याद आ जाए, शेख रशीद ऐसे करने से निकलता है। अच्छा ये देखिए अभी भी 2 हुए, ये उससे पहले की बात कर रहा हूं, 3 ना हो सके। हाँ आप नहीं पहुंचे, मैं पहुंच गया उधर। हाँ जी पहुंच रहा, तीन फेवरेट डाइट फूड, डाइट फूड अंडे, फिश और चिकन। वेरी गुड। 3 सिटीज जिनका नाम एम से आता हो, एम से मुल्तान, मियांवाली, बस मानसेहरा। हाँ तो नहीं आया ना जेन में, मैं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो आता है ना बॉस, सॉरी बॉस, क्योंकि सवाल मैंने बनाए। अब हम अपनी जॉब बचा रहे हैं, अब हम होस्टिंग नहीं कर रहे। अब बात अड़ी पे आ गई है। हाँ जी, 3 फेवरेट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर नबील कुरैशी, सुहेल जावेद, अली मसूद। वेरी गुड। ना चालाक आदमी है, जिनके साथ अभी काम किया ना सबके नाम ले दिए, याद वही थे, करीब वो पढ़ रहे थे मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो आप उठते ही करते हैं, उठते ही करता हूँ, फोन यूज करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, पानी पीता हूँ। 3 ऐसी चीजें जो आप करके सोने जाते हैं, करके सोने, फोन यूज करता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, पानी पीता हूँ। 3 करने के बाद बजाना है आपने, ये तभी गिर रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं। अच्छा 3 कलर्स बताएं जो 20 से आते हो, 20 आते हैं, ब्लैक, ब्लू,
Brown. Brown. Beige. Beige. What? Beige. Don't tell me. ये face five के आगे मिलता है। अच्छा okay. ठीक है। अब मैं इधर रह रहा हूँ ना मुझे। तीन चीजें जो आपके बैग में हर वक्त होती हैं। बैग में होती हैं। लिप बाम. लिप बाम, लिप बाम। या एक सेकंड, या आप बैग में इतना लिप बाम लेके क्यों घूम रहे हैं? बेच रहे हैं आप कहीं? दो लिप बाम क्यों है? ऊपर का ओंठ का अलग, नीचे का अलग। अच्छा लिप बाम यार। तीन ऐसी चीजें बताएं जिसको भुला सकते हैं। गुब्बारा, टायर, ट्यूब। वेरी गुड यार। तीन ऐसी चीजें जिसमें मुंह दे सकते हैं। तकिया, बगल और ये जैकपॉट, जैकपॉट मारा आपने, जैकपॉट वाला जवाब। ये जो दूसरी जगह आपने मुंह दिया ना, थोड़ा अजीब सा हो गया था। अच्छा दियो नहीं होता। हां बगल वाला, ठीक है ये वाला सही है। तीन एनिमल साउंड्स बनाए, निकालिए। म्याऊ, बे, ओ यार ये वो जो था ना, ये वो, ये तुम्हारी नौकरी खाएगा। ये वो मुझे टेंशन लोमड़ी वाला लगा मुझे। अच्छा जी, तीन एक्टर जिनका नाम एम से आता हो। माहिरा खान, मैवी शायद और मलिका शरावत। वेरी गुड। मलिका शरावत, व्हाट? ये कहां से पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मजाहिया शो में आपने मलिका शरावत का नाम लिया? हाँ तो वो भी मजाहिया अदाकारा थी ना। यही बातें जो हमें जॉब वापस दिलवाएंगे। हाँ यार वो थोड़ा ज्यादा है। हाँ जी, अब ये वाला पार्ट हम दो बार लगाएंगे। तीन मिठाइयां। तीन मिठाइयां, बर्फी, गुलाब जामुन, चमचम। वेरी गुड। तीन ऐसी चीजें जो कड़वी होती हैं। कड़वी होती हैं, दवाई। तीन ऐसी चीजें जो खट्टी होती हैं। खट्टी, इमली, आलू बुखारा और मैं। तीन ऐसी चीजें जो पुरानी होकर अकड़ जाती है। आलू बुखारा, बुखार, खुबानी। खुबानी, खुबानी। अच्छा जी, खाते हैं ना यार। जी जी बिल्कुल। तीन इफ्तार आइटम्स है क्या? तीन इफ्तार आइटम, समोसा, पकौड़ा, शरबत। तीन एक्टर्स जो झूठ बोलते हैं। मैं, मोहसिन और हैदर। ठीक है। तीन ऐसी चीजें, कैसा सेव खेला। जी 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 जी। हाँ, तीन ऐसी चीजें जो लंबी अच्छी लगती हैं। पतंग और शलवार कमीज और दुपट्टा। वेरी गुड। लेट हो गया। तीन ऐसे एक्टर जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। पता नहीं। ठीक है। तीन ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको एक्टर होना चाहिए। शेख साहब, शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब और बस। तीन ऐसी चीजें जिनमें से हवा बाहर निकलती है। आदि और टायर और ट्यूब। ठीक है। तीन रेसलर्स के नाम बताइए। द रॉक, अंडरटेकर और तीन फेवरेट ब्रांड्स। जारा, H&M और स्टोनेज। तीन ऐसी चीजें जो टीवी वन में आपको नजर आई हो। तीन ऐसी चीजें, आदि, फैजान और मोहसिन। ठीक है। तीन राइमिंग नेम्स बताइए। ब्लम्बम, कलप्पू, क्लिक्की। जैकेट, स्वेटर और मोजे। तीन ऐसी चीजें जो विंटर्स में उतारते हैं। बनियान और जूते और ऐनक। अरे जो पहने थे वही उतार देते यार। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं अपनी मर्जी की उतारूंगा ना। तीन ऐसी चीजें जिसमें हाथ डाल सकते हैं। एक सेकंड। नो, हो गया। हाँ, हार गया मैं। क्या है ये? क्यों भाई? कमीज़ में क्या हो क्या रहा है? कमीज़ में हाथ सारे जुमानी क्यों होते हैं? नहीं नहीं भाई, आप प्लास्टर में हाथ डाल सकते हैं, कमीज़ में हाथ डालते हैं, ग्लव्स में, ग्लव्स में हाथ डालते हैं, ये क्या होता है? अंगूठी में हाथ डाल सकते हैं यार। अंगूठी में हाथ नहीं डालते। घड़ी में हाथ डाले? अंगूठी में हाथ नहीं डालते। यार बहस होगी यार। आप हाथ डालने वाले बनो। ठीक है। तीन तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस बताइए। तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस, माहिरा खान, मैवी शायद, मैं, पता नहीं। तीन फेवरेट एक्टर्स। दोबारा पूछो ये सवाल। तीन फेवरेट एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ना, वहां से एक्टर्स, वहां से आओ, चलो वहां से आते। तीन फेवरेट एक्टर्स बताओ। नुमान एजाज, कबीर खान साहब, नूरुल हसन, यही आता है। वेरी गुड यार। सर आपने बहुत अच्छा खेला। हाँ बस यही। आइए सर, आगे जाइए। लड़का जो है वो, वेल डन सर, गुड, वेरी वेल मैनेज। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। हमें भी आपको लग पता जाएगा। मुझे नहीं पता, जल्दी, बहुत जल्द खुद मैनेज कर लेना यार। हमें भी पता नहीं होता हमने क्या किया, बट टीवी वन वाले फोन करके बता दें आपने ये क्या किया तुम लोगों ने। क्या भाई ये क्या किया? वक्त है मूव ऑफ द डे का। मजेदार होगा कुछ यूं कि एक बीट बजेगी, उस पर आप एक मूव करेंगे, वो मैं करूंगा, वो आदि भाई करेंगे, फिर हम लोगों को बोलेंगे कि वो करके हमें भेजें। ओह नाइस। चले जी, बहुत बेसिक लाइए, बीट दे दे भाई। चले भाई। कर लो, तीन मार लो। शुरू से आओ। 1 2 3 गो। ये
मेघा जी को बुला लूं कोरियोग्राफ कर दे पूरा, उसको दोबारा रिपीट करेंगे ठीक है ना। बट मैं ये मूव करके रुकता हूँ सो दैट आप दोनों फिर कर सके। चले चले 1 2 3 गो। ये था बेस्ट मूव, कारपेट खराब करो कारपेट सही कर दो। सर आइए सर आइए, मैं कहता हूँ इतने तो हम आपको पैसे नहीं दे रहे जितना आपने काम कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ करवा लिया तुमने सर सर सर, नचा गवाह पता नहीं क्या सर, ना क्या करें ना ऐसी चीजें कि आपको हर चीज आपसे करवानी पड़ेगी। मुझसे पर जाने से पहले मेरी कजन की बेटी को सालगिरह भी विश कर। ये हुआ आपके साथ? ये होता है, बहुत होता है। अब ना भाईजान अभी मैं फाइट सीक्वेंस में था, हाँ उसके बीच में इंटेंस फाइट सीक्वेंस चल रहा है और हमारे एक दोस्त आए हुए मतलब वहां पे जो हमारे साथी गुंडे बने हुए हैं। जी जी जी। उनमें से एक भाई ने फरमाइश की है कि आंखों से आंसू हैं, यहाँ पे मट्टी है, चेहरा अजीब। उन्होंने कहा एक वीडियो मैसेज मेरी भांजी के लिए सालगिरह उसकी। एंड उस मौके पे जब आप इधर तो देखते हैं कि दोस्त क्या हो गया, ये हालत देखो यार। हाँ तो ये कहीं भी एक तस्वीर लेते हैं। हाँ मतलब आपको फैंस भी मिलते हैं नॉर्मली, तो वो तस्वीर लेते हैं और साथ ही कहते हैं एक वीडियो भी अगर बना देना अच्छा हो जाएगा। मेरा ये पता नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक मेरा ये है तो उसका, और नाम मुश्किल होते हैं तो वो भी आप नहीं ले पाते। नहीं ले पाते सर, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। शूट में से आप निकल के आए हैं और आपने तो थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अक्सर हमें मैसेजेस में आपका नाम पढ़ने को मिलता है कि जी इनको बुलाइए, तो अगर आपका कोई मैसेज है तो प्लीज दैट कैमरा इज योर्स। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहें क्योंकि ये हमारा काम है और इसमें कोई तुरम खानी नहीं है, हमें कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हुए। हम बिल्कुल आप हमारे भाइयों हमारी फैमिली की तरह हैं। फैन और स्टार्स, स्टार कोई नहीं होता, हमारी नौकरी है, हमें इसके पैसे मिलते हैं, हम आपको एंटरटेन करते हैं। सो आपका जब जहां दिल करे प्यार से हमसे बात करना चाहें, हमारे साथ तस्वीरें लेना चाहें, हम हाजिर हैं। दूसरी बात सबसे ज़रूरी, SOPs का ख्याल रखिए, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अपना अपने फैमिली का अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। एक जाहिलाना सोच हमारे माशरे में जो है वो देखने को मिलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने बहुत करीबी लोगों में देखा है, हमारे को स्टार हैं उनके वालिद का इंतकाल हुआ अभी, तो इसलिए बहुत संजीदगी से लीजिए इस सारे मामले को और इंशाल्लाह हम इसको उम्मीद है कि इन तमाम जो SOPs हैं इनको फॉलो करके इसको हरा पाएंगे। स्टे सेफ। थैंक यू सर। आदि भाई आपका कोई मैसेज? मेरा आज का जो मैसेज है उससे शायद बहुत सारे लोग इख्तलाफ करें, बहुत सारे हमेशा ही करते हैं। हाँ हमेशा ही करते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैसेज दूंगा। मेरा मैसेज ये है कि जो जितने भी सड़क पे मांगने वालों का बिजनेस चल रहा है ना, ये आपको जो भी स्टोरी सुनाते हैं ये रोज और 24 घंटे वही स्टोरी सुना रहे होते हैं क्योंकि इनके पास एक स्क्रिप्ट लिखा होता है, तो इनको पैसे देने के बजाय किसी चौकीदार, किसी ड्राइवर, कोई ऐसा बंदा जो काम कर रहा हो और आपको लग रहा हो कि उसकी इतनी मेहनत के बाद भी इतने नहीं कमा रहा होगा, उसको कुछ पैसे दे दे ताकि उसके काम आ जाए, बजाय इनके जो 24 घंटे जो है बच्चों को लेकर रात के 3 बजे 4 बजे 6 बजे सुबह के 10 बजे सिर्फ पैसे मांग रहे होते। क्योंकि आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं इसलिए ये बिजनेस चलता रहता है, जब आप लोग इनको देना बंद कर देंगे तो ये यहाँ से इधर उधर हो जाएंगे। थैंक यू जी, दिस वॉज आर शो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा और आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो साल है जिसकी शुरुआत हमने आज की एक जबरदस्त शो से, थैंक्स टू मोहसिन, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये साल इसी तरह हंसता खेलता और बहुत मजेदार गुजरेगा। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो कि यहाँ पे आके आप लोग परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पर हमें इनबॉक्स कीजिए, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर बुलाएं और आपसे पैसे भी ना लें। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉय द शो, यू आर वाचिंग द मजेदार शो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सबीना फारूक और मैं आ रही हूँ द मजेदार शो पे विद आदि एंड फिजान। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार।